पुलिस पेट्रोल करते दरमियान तहसील पुलिस को एक युवक संशयास्पद अवस्था में दिखाई दिया, जिसे कड़ाई से पूछताछ करने पर उसके पास गांजा होने की जानकारी मिली, जिसके बाद कार्यवाही कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और उससे 79,360 रुपए का मुद्देमाल जब्त करने की जानकारी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जयेश भंडारकर ने दी। मिली जानकारी के अनुसार तहसील पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी, जिस दौरान उन्हें एक युवक संशयास्पद अवस्था में दिखा दिया। पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन वह पुलिस को देख भागने लग गया। हालांकि पुलिस ने उसका पीछा किया और उसे धर दबोचने में कामयाबी रही। जब आरोपी से पूछताछ की गई, तब उसने पुलिस समक्ष अपनी सारी गुनाहों की कबूली दी। इस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जयेश भंडारकर ने अधिक जानकारी साझा की। दिनांक 18/7/2021 को रात को नाइट ऑफिसर पीएसआई मस्के बीट मार्शल मोहन चहारे ढेंगरे दिनेश शुक्ला टिमकी एरिया में पेट्रोलिंग कर रहे थे, तब उनको तीन खंबा चौक में एक संशयास्पद हीरो पैशन प्रो गाड़ी दिखी, जो एक्टिविटी सस्पेक्टेड लगने के कारण हमारे पीएसआई मस्के इन्होंने दो पल्स को बुला के वो गाड़ी रोक के उसकी सर्च किए, तो गाड़ी को डिक्की के ऊपर एक खाकी खरड़े का बॉक्स था। पल्स के सामने उसकी झड़ती ली तो बॉक्स में करीब 5 किलो 437 ग्राम गांजा, जिसकी कीमत 54,360 रुपये में मिली। उसकी कार्रवाई करते वक्त उसको नियम से कार्रवाई करके उसको पुलिस स्टेशन में लाए, और जो संशयास्पद इसमें मिला था वो था शेख इरशाद वल्द शेख मोहम्मद, उम्र 55 साल, मेहंदीबाग पीएस यशोदा नगर का रहने वाला है। और उसने अभी ये गांजा कहाँ से लाया, किसको दे रहा था, इसका उसको अरेस्ट किए विद्यमान कोर्ट में, आज उनको पुटअप करके उनका पीसीआर लेंगे। गिरफ्तार किए हुए आरोपी का नाम शेख इरशाद वल्द शेख मोहम्मद है और पुलिस ने उससे 79,360 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया है। ऐसी जानकारी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक भंडारकर ने दी। बता दें कि आरोपी के खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं और पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट।